शुरू करें। प्यारे बच्चों, आपको हमने पिछली बार जब पढ़ाया था तो उसमें कुछ सजीव वस्तुओं के बारे में बताया था, और सजीव वस्तुओं के बाद अब नंबर जो है हमारे पास निर्जीव वस्तुओं का है। निर्जीव वस्तुओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, और निर्जीव वस्तुएं हम किसे कहते हैं, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होना आवश्यक होती हैं। आप जानते होंगे कि सजीव जो है वह तमाम ऐसी चीज़ों को अंदर अपने लेता है जो कार्य करने के अनुरूप होता है, और ठीक उसका उल्टा निर्जीव होता है जो कार्य करने के अनुरूप नहीं होता है। निर्जीव के अंतर्गत हम उन सभी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं जो हमारे आसपास हुआ करती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, दरवाज़ा, खिड़की, थाली, लोटा, ग्लास, कापी, किताब, रबड़, पेंसिल आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं सब निर्जीव के अंतर्गत आती हैं। इसमें जान नहीं होती है और ये शून्य की अवस्था में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जब और थोड़ा सा आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं कि यह निर्जीव चीज़ें जो हैं वह अधिकांशतः हम लोगों को अपने आसपास मिलती हैं, और उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही प्रयोग में आने वाली चीज़ें होती हैं जो प्रायः देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से निर्जीव में और सजीव में जो भी अंतर हो, जो हमने आपको बतलाया, उस अंतर को आप ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न के रूप में लिख लीजिए अपनी कॉपी में नीचे कि सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। कुछ शब्द आपको हम देते हैं, उन शब्दों को आप कॉपी में लिख लें और उन शब्दों में से, उन चीज़ों में से छांट कर अलग करिएगा कि कौन सी चीज़ें सजीव हैं और कौन सी चीज़ें निर्जीव हैं। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, गाय, भैंस, बकरी, थाली, लोटा, ग्लास, पेड़, लकड़ी और गुलाब का पौधा, गेंदे का पौधा, सांप, गोजर, पक्षी तथा पैंट एवं शर्ट आदि। इन सब को लिख करके इसमें से आपको छांटना है कि कौन सी चीज़ें सजीव हैं और कौन सी चीज़ें निर्जीव हैं। और एक कॉपी में नीचे अपने प्रश्न भी लिख लीजिए और उसका उत्तर सजीव निर्जीव का लिख करके याद करके तब हमको अगली बार आप बतलाइएगा, सुनाइएगा, और फिर उसके आगे हम आपको बतलाएंगे। प्रश्न लिखिए कॉपी में, सजीव एवं निर्जीव किसे कहते हैं। दोनों को अलग अलग छांट करके अपनी कॉपी पर लिखें। ये वस्तुएं जो हमने नोट कराई, इन्हीं वस्तुओं में सजीव निर्जीव दोनों है, दोनों को छांट के अलग अलग लिखना है, लिख करके अगली बार हमको कॉपी में दिखाना है, और फिर उसके बाद आगे की चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, ठीक, नमस्ते।